अमृत वेला क्यों नहीं होता है? Why aren't we able to do अमृत वेला? क्योंकि जो अलौकिक परिवार में असली प्यार है उसका फाउंडेशन ही नहीं पड़ा। Because the foundation of real love in the अलौकिक family hasn't been laid at all. आत्मा मंथन नहीं करती। The soul doesn't churn. लौकिक देह भान में देह और देह के संबंधों में बुद्धि इतनी बिजी रहती है। The intellect remains so busy in लौकिक body consciousness, in the body and the relations of the body. ये दैहिक संबंधों की तो जिम्मेवारी याद रहती है। That we do remember the responsibilities related to the bodily relations. लेकिन अलौकिकों को पारलौकिक संबंध की जिम्मेवारी क्या है वो भूल जाती। But we forget what are the responsibilities of the alaukik and the paralaukik relations. Paralaukik means from the world beyond. पहली मुख्य बात है कि जो भी गीता पाठशाला है उन गीता पाठशालाओं में हर एक स्टूडेंट को अपने टाइम पर पंक्चुअल पहुंचना चाहिए। द फर्स्ट मेन थिंग इज दैट एवरी स्टूडेंट इन ऑल द गीता पाठशालाज मीनिंग गीता स्कूल शुड रीच इट पंक्चुअली ऑन टाइम और डेली क्लास करना चाहिए एंड अटेंड द क्लासेस डेली। ये छोटी मोटी बात नहीं है, टीचर का डिसरिगार्ड है। क्लास नहीं करना अथवा क्लास में देर से पहुंचना अथवा क्लास में पंक्चुअल होना। Not attending the class, reaching the class late, or not being punctual in the class, it isn't a small thing. In fact, it is disregard to the teacher. इनके अपने मोहल्ले में गीता पाठशाला है। Those who have a Gita Pathshala in their neighborhood, उनको अपने गीता पाठशाला में जरूर एक घंटा देना चाहिए ईश्वरीय सेवा के लिए। Should definitely give 1 hour for the divine, meaning ईश्वरीय service in their Gita Pathshala. यही ईश्वरीय सेवा है। ऐसे समझ कर थिंकिंग दिस इटसेल्फ इज द डिवाइन सर्विस। संगठित होकर के जो हम वाइब्रेशन फैलाते हैं बाबा की याद में बैठते हैं वो वाइब्रेशन ही बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। द वाइब्रेशंस दैट वी स्प्रेड आफ्टर गैदरिंग टुगेदर व्हेन वी सिट इन बाबाज रिमेम्बरेंस दोज वाइब्रेशंस देमसेल्व्स विल परफॉर्म अ ग्रेट टास्क। एटमिक एनर्जी का काम करेंगे। इट विल डू द टास्क ऑफ एटमिक एनर्जी। वो है एटमिक एनर्जी और ये है आत्मिक एनर्जी। दैट इज एटमिक एनर्जी एंड दिस इज द स्पिरिचुअल मीनिंग आत्मिक एनर्जी। लेकिन संगठित होकर बैठेंगे ही नहीं। बट इफ वी डोंट सिट आफ्टर गैदरिंग टुगेदर एट ऑल, ज्ञान का लेन देन ही नहीं करेंगे। इफ वी डोंट एक्सचेंज द नॉलेज एट ऑल, सेवा के अनुभवों का लेन देन ही नहीं करेंगे। इफ वी डोंट एक्सचेंज द एक्सपीरियंसेस ऑफ द सर्विस डन एट ऑल, परिवार को परिवार ही नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। इफ वी डोंट कंसिडर द फैमिली एज द फैमिली एट ऑल, हाउ विल इट वर्क। गीता पाठशालाएं खुलती जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। गीता पाठशालाज कीप ओपनिंग, देयर नंबर कीप्स इंक्रीजिंग। और क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स नदारद होते जाते हैं। एंड द स्टूडेंट्स गोइंग टू द क्लास वैनिश ग्रेजुअली। सब समझे बैठे हैं, कह रहे गीता पाठशाला में जाके क्या करेंगे, हम चलते फिरते उठते बैठते अपने घर में रहते ही याद करते। एवरीवन थिंक्स अरे वॉट विल वी डू गोइंग टू द गीता पाठशाला, वी विल रिमेम्बर द फादर वाइल वॉकिंग मूविंग अराउंड स्टैंडिंग अप सिटिंग डाउन एंड स्टेइंग एट अवर होम इटसेल्फ। लेकिन नहीं। बट नो, संगठन का असर पड़ता है। देयर इज एन इफेक्ट ऑफ द गैदरिंग। मुसलमान लोग इस बात को मानते हैं कि घर में रह करके नमाज पढ़ने का जितना सवाब होता है उससे 10 गुना मस्जिद में जाकर के पढ़ने से होता है। द मुस्लिम्स बिलीव that by reading the namaz after going to a mosque we receive 10 times more attainments than by reading the namaz while staying at home. Namaz, prayers prescribed by the Islamic law. Juma masjid mein jakar ke jo namaz padte hain wo masjid se bhi zyada 10 guna hota hai uska sawab. Those who go to the Jama masjid and read the namaz they receive attainments 10 times more than by reading it at a mosque. Jama masjid, a congregational mosque in which Muslims gather to hear the Friday prayers. और जो अजमेर शरीफ में जाकर के पढ़ते हैं वो उससे भी 10 गुना। And those who go to Ajmer Sharif and read it there, it is even 10 times more than that. Ajmer Sharif, a sacred place of the Muslims in Rajasthan in India. और काबा में जाकर के अगर नमाज पढ़ते हैं तो वो 100 गुना अजमेर शरीफ से भी ज्यादा। And if they go to the Kaaba and read the namaz, it is 100 times more than that
what is attained by reading the namaz at Ajmer Sharif, Kaaba, the cubical shrine at Mecca. So multiplication hota rehta hai. So it keeps multiplying.